हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून गाइस। तो गुड आफ्टरनून बता दिया मम्मी ने, जैसे कि आप लोगों को टाइम हो रहा है 3:30 बजे के आसपास का। और मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, रेडी तो हुई, यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कहाँ के लिए रेडी हूँ मैं, इतना ब्लर आ रहा है। दिस इज माई लुक, कुछ भी नहीं करा हुआ, बस एक बिंदी हल्का सा लिप शेड है और ये है। मेकअप करने का कुछ मन ही नहीं हो रहा है आजकल, और करूंगी भी नहीं अब काफ़ी टाइम तक। तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और आप लोगों से थोड़ी गपशप कर लिया जाए। सभी को पता होगा वैसे, लड़कियां जब तैयार होती हैं तो बहुत अच्छा मूड रहता है उनका, बहुत खुशी में रहती हैं, वो बहुत खुश रहती हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मेरे को तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में चाय और मैगी बनाने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? गाने बज रहे हैं पीछे। तो कल ब्लॉग स्टार्ट करा था, उसके बाद में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। अब मैं साफ सफाई कर रही हूँ, कुछ पहले पेपर्स वगैरह का करा, आपने देखा होगा आगे वाले क्लिप में। और अब मैं अपना सारा मेकअप का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही हूँ। टाइम बताती हूँ आप लोगों को, 9:45 का हो रहा है, कुछ काम नहीं हुआ है अभी। तो दिवाली होली की साफ सफाई शुरू हो गई है, करते हैं होली पे भी ना। तो वो साफ सफाई शुरू हो गया, स्वेटर पहन रखा है क्योंकि सुबह सुबह ठंडा होता है। तो चलिए मैं अपना मेकअप का सामान लगा लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ऐसे ऐसे पर्स आप लोगों की मम्मी के पास भी होंगे, मेरे मम्मी के पास भी हजारों हैं छोटे छोटे पर्स। सफाई करते हुए मुझे देखिए एल्बम, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी। ये मैं हूँ, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मौसी, और ये मेरी स्कूल की है जब हमने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करा था। ये पापा हैं। कौन हुआ? क्या चाहिए? थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब प्लीज। अब कहाँ है? अब मम्मी पास। हाँ। ये मेरे लाइए टॉफी ना? लिया है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार को मैंने पास रखे थे, तो इसलिए सोमवार की पूजा पाठ कभी स्किप नहीं करती मैं। तो चलिए पहले पूजा करके आ जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी, 11:15 हो गए हैं अब। यार 11:15 कौन सी पूजा होती है? चलिए 12 तो बजे ही नहीं है ना, 12 बजे के बाद अगला दिन लगता है, तो 12 बजे से पहले पूजा करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। पूजा पाठ हो गई है और अब हो गई नाश्ते की बारी। 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है यार, सो नाइस। नाश्ता नहीं एक्चुअली, ये ब्रंच हो गया, ना ब्रेकफास्ट ही रहा ना लंच ही रहा। मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाया मैंने, थोड़ी सी झलक आपको दिखाई थी कि मम्मी क्या बना रही थी। तो आज हमारे घर पे बनी है एक गढ़वाली डिश, जो कि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। नाम है उसका, उसका नाम भूल जाती है बार बार, अभी रुक जाओ बताती हूँ जब याद आएगा। तो नाम था इसका टैडू, और देखने में था ये बिल्कुल आलू की तरह, और टेस्ट था इसका कुछ स्वीट पोटैटो के जैसा। ठीक हो रही थी, कुछ पार्सल वाला आया है, कॉल आया था, लेके आती हूँ, देखते हैं क्या है। रिसीव्ड, लो। मैं आप लोगों से बहुत देर के बाद, और बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि डेली सुबह को ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ।
ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। सुबह जो थोड़ा बहुत ब्लॉग रिकॉर्ड हुआ वो हो गया, उसके बाद मैं नहीं कर पाई। और अभी मैं किचन में आई थी कुछ बनाने के लिए, तो वेजिटेबल्स ले लिए, इनको कट करूँगी, चॉप करूँगी, और रेसिपी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आज कुछ रोटी सब्जी से कुछ अलग खाने का मन है, सिर्फ मेरा और मम्मी का, और किसी का नहीं। मम्मी का तो ऐसा है कि खाना भी खा लेंगी पर मैं ये बनाऊंगी तो वो टेस्ट कर लेंगी, पापा के लिए तो खाना ही बनेगा, वो इन सबसे नहीं होता उनका, तो होता है कभी कभी। तो इसलिए मैंने बहुत सर्च करा इधर उधर, उसके बाद मुझे कुछ एक ऐसी रेसिपी मिली जिससे मैं खुश हो सकती हूँ। सूजी के जो वो होते हैं स्नैक्स, दैट मेक्स मी हैप्पी, तो मुझे कुछ वैसे ही स्नैक मिल गया है। और क्या है वो, कैसा है वो, आपको मैं रेसिपी शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं वेजिटेबल्स चॉप कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग हुई थी और काफ़ी टाइम के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा हुआ था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, मतलब एग्जाम्स टाइम में तो उठना ही था, 5 बजे तक उठ जाती थी एग्ज़ाम टाइम्स में, पर आज मैं उठी थी 6:30 के आसपास। और मैंने सोचा कि आज सुबह की पहली चाय मैं बनाऊँ। चाय वगैरह रखने के बाद मैं यहीं पे बैठ गई थी, इसलिए पर मैं सोचा यहीं बैठ के पी लेती हूँ। यहाँ पे मैं पानी पी रही थी गर्म। आई जस्ट वेक अप यार, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। 1 बजे सोई थी, 3 बजे उठी हूँ, अलार्म लगा रखा था मैंने 2 बजे का, और बीच में मुझे ऐसा हुआ कि अलार्म तो बजा ही नहीं है, तो 2 नहीं बजे शायद, 2 नहीं बजे, 3 बज गए हैं। माय गॉड, ऐसे सोई मैं जैसे पता नहीं रात भर कहाँ थी, मतलब बहुत थकान हुई यार मुझे बहुत। और दिन के उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। आज मैंने दोपहर का लंच इतना सही प्रिपेयर, मतलब प्लान करा हुआ था, प्रिपेयर तो कुछ ही करा। आई एम कन्फ्यूज्ड कि बनाऊँ ना बनाऊँ, आई डोंट नो अबाउट मम्मा, कहाँ है वो, ऊपर है कि बाहर वाले रूम में। मेरा फेस सूज रहा है ना हल्का हल्का। तो मैं बनाऊँगी लंच में मोमोज, टाइम दिखाती हूँ, तो बना लेते हैं, इतना सोचते नहीं है, लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं रहने का, जो मन करे कर लो। कैमरा इतना बुरा हो रहा है कि मैं ही बुरी हो रही हूँ। रेसिपी शेयर करनी है कि नहीं करनी, कर लेते हैं चलिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ यार, वेजिटेबल्स कट करूँ, मैदा गूंदूँ कि चटनी बनाऊँ। मैं रखती हूँ चटनी, चटनी में जब तक वो टमाटर और मिर्ची बॉईल होंगे तब तक मैदा गूंद देती हूँ। मैदा को फिर रेस्टिंग पे रखेंगे 30 मिनट के लिए, और फिर इतने वेजीज कट करके, वेजीज मतलब जो स्टफिंग होती है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है चलिए फिर। तो शुरुआत करी थी चटनी बनाने से, जिसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल करा, उसके अंदर 2 टमाटर थे जिसमें मैंने कट लगा कर डाला था, और 4 ये लाल मिर्च थी सूखी, और थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैंने उसको खूब बॉईल करा। मीनवाइल मैंने सोचा यहाँ पे मैदा गूंथ के रख दी, जिसमें मैंने कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नमक, तेल और नॉर्मल पानी से गूंथ के रख दिया। सॉफ्ट सा डो रखना है आपको। फिर मैंने यहाँ पे गाजर, मैंने सोचा मिक्सर में कर लेती हूँ, हल्की हल्की सी हो जाएगी, बट इसके अंदर बिल्कुल पेस्ट हो गया था, सो ये ट्रिक वेस्ट रही। अब चॉप करना ही शुरू करा, और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, मम्मी ने सारे वेजिटेबल्स चॉप करे। इसके बाद फिर हम इसको मिक्सर में डाल के ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। वेजिटेबल सारे चॉप हो गए थे, जो जो मुझे चाहिए थे वो, तो कुछ इस तरीके का कर लिया था उसके छिलके निकालने के बाद, ये मिर्ची के ऊपर का भी निकाला था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही थी वेजिटेबल्स को सॉटे हल्का सा। तो हमें चेंज करनी पड़ रही है कढ़ाई, क्योंकि बहुत छोटा हो गया है फ्राई पैन, इसमें बनाएंगे अब हम। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चटनी को पीस लिया था, इसके अंदर मैंने सिर्फ ये टमाटर और हरी, ये जो लाल मिर्च थी खाली, ये ही डाला था। ये सारी चटनियाँ बाहर निकल गई है।
फिर मैंने सेम फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला और उसके बाद मैंने इसमें चटनी डाल दी थी जिससे कि वो थोड़ी सी थिक हो जाए। नमक डाला था, थोड़ा सा केचप डाला और कुछ भी नहीं, बस इसके बाद इसे थोड़ा सा पकाया और ये रेडी थी। और मम्मी ने शुरू कर दिया था यहाँ पर बेलना। तो कभी हम ऐसे मोमोज वगैरह बनाते हैं तो उसमें बेलने का काम मम्मी का रहता है और जो भरने के बाद शेप बनाने का काम रहता है वो मेरा रहता है। हालांकि आई एम नॉट अ शेप परफेक्टर। यहाँ पर मोमोज को रख दिया गया था स्टीम करने के लिए। तो फाइनली मोमोज आर इन प्रोग्रेस। मैंने शुरू करा था, मैंने आपको बोला था 3 बज रहे हैं, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, 4:15 के आसपास का टाइम है। एक जो राउंड है वो बन भी चुका है, दूसरा राउंड स्टीम के लिए लगाया है और जो गाड़ो स्टीमर है भाई, अभी स्टीमर तो है नहीं, लाएंगे जल्दी लाएंगे। और टेस्ट वेस्ट का तो अभी पता नहीं, मैं सोच रही हूँ वो सेकेंड राउंड का भी हो जाए तभी आराम से बैठूँ। मम्मी तो खा रही हैं, कुछ फ्राई कर लिए थे कुछ वैसे ही, तो इसलिए जो मन करे वो कर लो, एक ही जीवन है, सोचते रह जाओगे इस जीवन में तो जियोगे कब। तो अभी मेरे कॉलेज से मैसेज आया है कि कल हमारा माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। व्हाट इज दिस मैनर्स यार, शाम के 5 बज रहे और 5 बजे मैसेज आ रहा है कि कल माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। क्या करें, देना पड़ेगा। अच्छा ये अब आया, वरना मैं मोमोज नहीं बनाती थी, मूड थोड़ा वैसे हो जाता है पढ़ने बैठती हूँ। सेकंड बैच भी रेडी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। आओ आओ मेरा हाथ, और थोड़ी सी जो मैदा बची थी ना उसकी हमने मर्ची बना ली है, बहुत ही यमी लग रही है। तो शेप्स तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मुझसे बेटर नहीं बनती है इससे ज़्यादा, ये ऐसे ही था। और जो मैदा की ऊपर की लेयर है आप लोग देख रहे होंगे वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। छत पर थोड़ा बहुत अपने प्रैक्टिकल्स पढ़कर अब आ गई हूँ छत पे, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। इवनिंग वॉक इज़ द बेस्ट टाइम टू वॉक फॉर मी। थोड़ा सा घूमती हूँ, दिया लगाना है, दिया लगा के फिर नीचे जाऊँगी फिर पढ़ने बैठूँगी। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत दिन हो गया, कैसे एडिट करूँगी कैसे बताऊँगी। चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, दीजिए मुझे ज़्यादा, जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लेट्स स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। कब से 2100 पे ही अटकी हुई हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो पता ही नहीं चलता, कभी कभी एक जगह पे अटक कर मतलब बहुत टाइम लग जाता है। चांद बहुत प्यारा है आजकल, आजकल ईद आने वाली है, रमज़ान चल रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सुंदर चांद है, पूरा कितना खूबसूरत है। चलिए फिर बाय, मिलते हैं कल, ये बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में देखती, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करती हूँ कल कॉलेज का। स्टे ट्यून, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, स्टे सेफ।